कुछ काली रातें मेरे नसीब में भी आई थी, एक अनजान चेहरे ने मेरी नींदें चुराई थी। मजा आ रहा होगा आपको कि ये अनजान चेहरा जो नींदें चुरा रहा है, बट बेसिकली वो क्यों चुरा रहा है आपकी नींदें? बेबाक सा वो मुझे हर मोड़ पर मिलता था, नकाब पोश बेनाम मेरे पीछे पीछे चलता था। उसके अब जो भी टीज करते हैं बॉयज, ऑफ कोर्स वो ग्रुप में होते हैं, सो उसके कुछ पागल दोस्त, मुझे भाभी कहकर चिढ़ाने लगे। धीरे धीरे सब अपनी बदतमीजियां बढ़ाने लगे। अब वो बोल रही धीरे धीरे सब अपनी बदतमीजियां बढ़ाने लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ अगर वो फेस कर रही है तो फैमिली से या फ्रेंड से क्यों नहीं शेयर कर रही? तो वो इसलिए नहीं शेयर कर रही है कि अकेली थी मैं अपनी मंजिल के अजनबी शहर में, जहां डरने लगी थी हवाओं की आहट से भी भरी दोपहर में। पर वो कब तक सहती, राइट? फिर एक दिन खुद खड़ा ही होना पड़ता है। सो उसने सोचा, एक दिन सिसकियां छोड़ हिम्मत मैंने बांध ली, अपनी चुप्पी को तोड़ रूढ़िवादी की नींव लांग ली। प्रश्न का सैलाब मैंने उसके सामने बहा दिया। ना जाने क्या गलती थी मेरी कि उसने चेहरा तेजाब से जला दिया। चीखी थी मैं, चिल्लाई थी, बेहोश जमीन पर लड़खड़ाई थी, कुछ काली रातें मेरे नसीब में भी आई थी। अब इसके बाद जो फैमिली का जो रिएक्शन रहता है या अदर्स रिलेटिव होते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है कि शोरीदा से फिरते थे मेरे परिवार वाले। शोरीदा मतलब होता है कि परेशान, उदास। नुक्ताची लोगों ने मुझ में ही नुक्ता निकाले। जो कमियां ढूंढते हैं वो लड़कियों में ही कमियां ढूंढते हैं बेसिकली। सो नुक्ताची लोगों ने मुझ में ही नुक्ता निकाले। अकेले पड़े रहती थी मैं अंधकार से कमरे में। अब ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो हम तेजाब से जो जलते हैं उनके पानी नहीं भरता, पस भर जाता है। अकेले पड़ी रहती थी मैं अंधकार से कमरे में, पीप सा भरने लगा था तेजाब से जले फलकों में। चीटियों की धार मेरे पास चली आती थी, सिर्फ मुझे पता है मेरी आप बीती, मैं किस कदर खुद को बचाती थी। हौसला मेरा डगमगाने लगा था, मुझे मेरा बचपन याद आने लगा था, जहां घुटनों पर चलते चलते मैंने कई चोटें खाई थी, पर मेरी ये टांगे कभी ना लड़खड़ाई थी। मुझ जैसे कई और भी बशर होंगे, बशर मतलब होता है कि लोग, मुझ जैसे कई और भी बशर होंगे जो परचम लिए अपना, जो झंडा लिए अपना, अफसुरदा से खड़े होंगे उदास। पर अपनी इन जकड़ी बेड़ियों को मैंने शस्त्र अपना बनाया था, यकीन मानिए मेरे चेहरे पर तेजाब डालने वाला नकाब पोश भी पछताया था। दो लाइन एंड करती हूँ और कहती हूँ कि दश्त मतलब होता है जंगल, और इसमें एक और वर्ड आएगा खुर्शीद, इसका मतलब होता है सूरज। दश्त भरी राहों में खुर्शीद की किरण नजर आई थी, पर अफसोस है कि कुछ काली रातें मेरे नसीब में भी आई थी।